किसी ने मुझे कहा कि बहुत इंटेलेक्चुअल्स जो अगरतला में रहते हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े घर में रहते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को बोलते हैं, अपने आप को विद्वान बोलते हैं, अगरतला में रहते हैं, उनको पसंद नहीं है कि टिपरा मोथा का बात, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का, हमारा अधिकार का बात के बारे हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको अपोज करना चाहिए। मैं अपने टिपरासा लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, यही रकम के लोग जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो विद्वान थे, जो लॉयर्स थे, जो अगरतला में रहते थे 1980s में, जब हमें TTA DC मिला था, तो यही लोगों ने कहा था कि त्रिपुरा के जनजातियों को EDC नहीं मिलना चाहिए। ये लोग हमेशा, इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा जब तक हम अपने लोगों के बारे, कुछ अधिकार के बारे डिमांड करें। जिस दिन हमने अपने बारे डिमांड किया, ज़्यादा पैसा दे दो या पोस्ट दे दो, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन हम लोग अपने समाज के बारे, अपने दफा के बारे कुछ डिमांड करते हैं और गवर्नमेंट सुनता है, तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोग चाहते नहीं हैं कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। ये लोग नहीं चाहते कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन किसी के साथ कंपटीशन करे। ये लोग चाहते नहीं हैं कि हमारे घर में अच्छा सा एक परिवार हो, जिसमें माँ को भी हॉस्पिटल का सुविधा मिलता है, बच्चा भी स्कूल जाता है और आपके पास भी नौकरी है। ये लोग चाहते नहीं है कि हमारा जो ज़मीन है उसमें हमारा अधिकार, जो पट्टा है, जो हमारा ज़मीन, हमारा हानि पुसा का है, वो हमारे नाम में हो। ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़े। तो यही लोग हैं जिनका कुछ प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आने वाले दिन में हम लोग आगे बढ़े। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, टिपरा मोथा गवर्नमेंट में बैठेगा नहीं, टिपरा मोथा गवर्नमेंट में कैबिनेट पोस्ट नहीं लेगा, और टिपरा मोथा जब तक हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है, हम लोग कोई पोस्ट में नहीं बैठेंगे। जो गलती IPFT ने किया, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग प्रेशर रखेंगे और अपने दोभा को, अपने लोगों को अधिकार दे के जाएंगे। बेलाइनो हम बाय।